एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जिसने मेरा फर्स्ट वाला ब्लॉग नहीं देखा है इस वीडियो का, वो जाकर ज़रूर देख लें, तभी आपको ये वीडियो देखने का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको पता चलेगा कि हम कहाँ गए हैं। तो ये है दूसरा पार्ट बर्ड पार्क चंडीगढ़ का। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देख लीजिए। और यहाँ से शुरू होता है सेकंड पार्ट। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इसको बनाया गया है, छोटे छोटे ब्रिजेस बनाए गए हैं बहुत सारे, और यहाँ पे बनाए गए हैं वाटरफॉल्स कुछ छोटे छोटे से, बहुत ही अच्छे से इसको डिज़ाइन किया है। और अभी हम जा रहे हैं आगे आगे। कुछ इस तरह का है ये बना हुआ, और ऊपर है इसमें नेट लगाई है ताकि यहाँ से रेन और सूरज की रोशनी अच्छे से आ जाए। और ये पाथ बनाया है, ये देखिए यहाँ पे ब्लैक स्वैन। पापा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मैं पीछे रह चुकी हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर इसकी खूबसूरती, बहुत ही अच्छी है। एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा बर्ड पार्क चंडीगढ़, नियर सुखना लेक के साथ में ही ये है। और इसका अभी रिसेंटली बनके ही तैयार हुआ है, 15-20 दिन पहले ही इसका उद्घाटन हुआ है। ये देख सकते हैं पीछे वाटरफॉल बनाया गया है, कितना प्यारा लग रहा है। और पीछे है ब्लैक स्वैन, मैं आपको थोड़ी देर में ही बैक कैमरे से दिखाऊंगी। और बहुत ही प्यारा इसको बनाया गया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सी चीज़ इसमें सबसे अच्छी लगी है। तो चलिए चलते हैं आगे आगे, पीछे से शोर आ रहा होगा। चलते हैं आगे आगे, दिखाते हैं आपको और क्या है यहाँ पे खास दिखाने लायक। आयु और आयु के पापा आगे चले गए हैं। तो चलिए, बहुत सुंदर बनाया गया है ये, देखिए इसको। और ऊपर हमारे ऊपर ये है नेट लगी है। बना है पूरा ग्लास का है, ये देख सकते हैं आप। इसके नीचे बहुत सारी कलरफुल फिशेस थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी, मैं भी कैप्चर कर लिया इनको। थोड़ा सा मुझे ये डर लग रहा था कहीं मेरा फ़ोन ना छूट जाए पानी में। देखिए कितनी सुंदर सुंदर कलरफुल फिशेस थी यहाँ पे, बहुत ही प्यारी थी। और दूसरी साइड भी यहाँ पर बनाया गया था कुछ इस तरह का, जो कि शो नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ जंजीरें लगी है, यहाँ से रास्ता है गेट बाहर जाने के लिए, जाएंगे बाहर। और ये देखिए बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है। ये है सेल्फ़ी पॉइंट यहाँ का, पर यहाँ पे इतनी भीड़ लगी थी सेल्फ़ी लेने के लिए कि मेरी बारी ही नहीं आई, तो मैं चली गई आगे आगे। और अभी ये है जो बना हुआ, अभी इसके अंदर जाएंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। तो आप भी बने रहिए ब्लॉग में एंड। रेनबो पैरेट ये देखिए, इतनी कलरफुल है। तो यहाँ पर देखिए इनके लिए घोंसले भी रखे गए हैं, बनाए गए हैं इन पक्षियों के लिए। और ये यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, ग्रीनरी का खास ख्याल रखा गया है। आप में से जो कोई भी विज़िट करना चाहता है एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा बर्ड पार्क चंडीगढ़। तो और ये देखिए हमें क्या दिखाई पड़ा, ये कुछ अलग ही पक्षी है, मुझे इनका नाम नहीं पता और यहाँ पे बोर्ड में लिखा भी नहीं था। आप में से किसी को पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पक्षी है। मुझे तो मुर्गे की तरह ही लग रहा है, क्या पता मुर्गे की ही प्रजाति हो। और ये देखिए कितना कलरफुल है, ऐसा लग रहा है मानो
पेंट किया हुआ है इसके पंखों में। और ये देखिए ग्रीन विंग, ये है ग्रीन विंग पैरेट, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप कितने सारे वो अपना दाना पानी ले रहे हैं वहाँ पे, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। और वहाँ से देखिए लोग जा रहे हैं ब्रिज के ऊपर से, बहुत ज़्यादा भीड़ थी संडे को। मैं सजेस्ट करूँगी संडे के दिन आप ना आए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि छुट्टी वाले दिन बहुत ही ज़्यादा रश होता है। अभी नया नया ही बनके रेडी हुआ है इसलिए सब लोगों की इच्छा रहती है देखने की। ये देखिए कितने प्यारे से बर्ड है। और ये देखिए अलग अलग यहाँ पे पुल बनाए गए हैं, बहुत सारे पुल है यहाँ पे और बहुत सुंदर इसको बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम विज़िट किया दिल खुश हो गया। बर्ड पार्क में आने के लिए आपको 50 रुपीज़ टिकट लगेगा, बच्चों की हाफ लगेगा टिकट, तो 50 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे टिकट लगता है बर्ड पार्क में। आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा एक बार अपनी फैमिली के साथ, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ये एक तरह का पिकनिक प्लेस भी है, आप यहाँ पे पिकनिक मनाने आ सकते हैं। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको बर्ड पार्क, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी आगे देखते हैं क्या क्या है और देखने के लिए। आयु और आयु के पापा पता नहीं कहाँ चल गए हैं आते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं बर्ड पार्क के बाहर और निकलने वाले हैं। ये देखिए सनसेट भी हो रहा है और यहाँ पर लिखा है एग्जिट, थैंक्स फॉर विजिट। आप लोग जब भी आए यहाँ पे कुछ खाने के लिए और पीने के लिए ज़रूर लेके आए, क्योंकि बहुत बड़ा इसको बनाया गया है और यहाँ कैफ़े है, खाने पीने की चीज़ें मिलेगी। चलो देखते हैं क्या मिलता है। और इधर गेट पे रखे थे कुछ फ्लावर पॉट में फूल, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये है कैफ़े, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिला हमें, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स मिल रहे थे, उसके लिए भी खुले पैसे चाहिए थे जो कि हमारे पास नहीं थे। तो चलिए अब बर्ड पार्क को बाय बाय कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दें। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू विज़िट कर रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो की एंडिंग में यहीं करती हूँ, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप में से कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो में आपको क्या कमी लगती है। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।